वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं ही आप लोगों को बताने वाली हूँ चेहरे के ऊपर डेड स्किन सेल्स को, टैनिंग को हटा के चेहरे को साफ और क्लीन रखने का तरीका बताने वाली हूँ। जब चेहरा साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन पे ग्लो भी आएगा, पिंपल एक्ने प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे और आपका चेहरा क्लीन, क्लियर और स्पॉटलेस बन जाएगा। आज मैं आपको चेहरे को साफ और ग्लोइंग कैसे रखना है इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। अब इसके लिए आपको लेना चाहिए एक बॉल में दही। इस दही में ऐड करना है चावल का आटा। मैं यहाँ पर पूरा बॉडी को लगाने के लिए, हैंड्स को और फेस के लिए इतना क्वान्टिटी दही ले चुकी हूँ, आधा कप दही। अगर आप इसको सिर्फ फेस पर यूज़ करना है तो आपको 2 टेबल स्पून दही काफ़ी है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, दही में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा, राइस फ्लोर। ये आपका स्किन का एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपका स्किन को हेल्दी बना देता है। और इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून फुलर मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये तो इनके अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। ये पैक आपका चेहरे पर डेड स्किन सेल्स को हटा देती है, चेहरे को क्लीन, क्लियर और हेल्दी बना देता है। इसके बाद इसमें ऐड करना है हनी 2 से 3 ड्रॉप्स शहद ऐड करना है। हनी ऐड करके मिक्स करना है। ये पैक काफ़ी इफ़ेक्टिव है और सेफ़ भी है स्किन के लिए। इसे स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे, आपका स्किन हेल्दी होगा, रेडिएंट होगा। और ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसको एक पैक कम स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, स्किन का एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपके स्किन के पर रिंकल्स, फाइन लाइंस को दूर करके स्किन को हेल्दी बना देता है और चेहरे को साफ करने का एक बेस्ट तरीका है। इससे चेहरा साफ भी होगा और ग्लोइंग भी बन जाएगा। अब मैं इसको हाथ पे अप्लाई करूँगी, फेस पे भी अप्लाई करके बताऊँगी। अब मैं इसको हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट इसे आपका हैंड्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, इससे डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, आपका स्किन के ऊपर धूल मिट्टी रिमूव होगा, आपका स्किन जो है साफ और क्लीन होता है। डेड स्किन सेल्स है और पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसको हर रोज़ यूज़ कीजिए, धूल मिट्टी भी दूर होगा, पिंपल एक्ने प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे बॉडी पे, आपका बॉडी क्लीन, क्लियर और हेल्दी ग्लोइंग बन जाता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप इस पैक को शावर करने के टाइम पे पूरा बॉडी पे अप्लाई करोगे ना, बॉडी हेल्दी होगा, स्मूथ होगा और आपका स्किन ग्लोइंग बन जाता है। विंटर में स्किन ड्राई हो जाता है और बिल्कुल ग्लो नहीं रहता है और काला भी हो जाता है। ये विंटर में ये पैक बेस्ट है, आपका स्किन को काला नहीं होने देते हैं, ग्लो रखता है और हेल्दी भी बना देता है। इस तरह अप्लाई करके 10-15 मिनट तक रख दीजिए। 10-15 मिनट के बाद पानी से वॉश कीजिए। अभी मैं इसको चेहरे पे अप्लाई करके दिखाऊंगी रिजल्ट्स। इस पैक को मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे अप्लाई करने के पहले फेस को फेस वॉश या क्लेंजर से अच्छी तरह वॉश करना है। अंडर एरिया छोड़ के पूरा फेस पे अप्लाई करना है, फेस और नेक पे। आप मेक श्योर, अगर आप चेहरे के ऊपर जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए अप्लाई करने से डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होंगे, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा, चेहरा साफ होगा, हेल्दी और ग्लोइंग होगा। इसके अंदर है शहद, ये आपका स्किन को ब्राइटनिंग कर देता है, ग्लोइंग रखता है। मुल्तानी मिट्टी है, ये चेहरे पर डेड स्किन सेल्स को हटा के चेहरे को साफ और ग्लोइंग बना देता है। दही है, इससे आपका स्किन हेल्दी होगा, नॉरिश होगा और हाइड्रेट होगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं, आप घर बैठे बैठे इस पैक को बना के यूज़ कीजिए। आप रेगुलर इस्तेमाल से आपका स्किन साफ और ग्लोइंग होगा, दिन ब दिन चेहरे पे ग्लो बढ़ते जाएगा। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लगाइए, इससे स्किन हेल्दी होगा, रेडिएंट होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक।